हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे ई सब्जेक्ट में क्लास फर्स्ट का चैप्टर एनिमल तो चलिए इसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं राइट रॉन्ग है फिल इन द ब्लैंक्स हैं और साथ ही साथ इसके अंदर ड्राइंग भी है तो है ना मज़ेदार आज की स्टडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बच्चों वी कैन डिवाइड एनिमल्स इन सम ग्रुप्स तो हम एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है हमारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स पैट एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स तो इन चार एनिमल्स के जो पैटर्न्स हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की तो so फर्स्ट है हमारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स विच लीव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट होता है जंगल जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टाइगर लॉयन डियर कंगारू वॉल्फ जेबरा जिराफ बेयर एट्सेट्रा तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स के और इनका फूड जो होता है वो है फ्रूट वेजिटेबल्स एंड फ्लैश तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं सम एनिमल्स आर टेम्ड बाय ह्यूमन बींग्स यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा पाले जाते हैं घरों में एंड दे कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स दे आर वेरी यूजफुल अस बिक दे अस यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एग फ्लैश क्लोथ्स वूल एट्सट्रा तो ये हमारे हो गए डोमेस्टिक एनिमल्स और इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे पेट एनिमल्स पेट एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चों पेट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं और बहुत सारे बच्चों के घर में कौन कौन से पेट एनिमल्स मिलेंगे डॉग कैट एंड रैबिट इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं डॉल्फिन वेल डक ऑक्टोपस क्रोकोडाइल फ्रॉग और ये कहाँ रहते हैं वाटर में रहते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है वाटर एनिमल्स तो अब हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा कौन होता है लॉयन इज नोन एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉयन जो है उसे जंगल का राजा कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी टू वाइल्ड एनिमल्स बताओ बच्चों कौन से होते हैं वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और कौन कौन से हैं टू के नाम बताने हैं लॉयन एंड टाइगर आर दी टू वाइल्ड एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू वॉटर एनिमल्स वो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो वॉटर में यानी कि पानी में रहते हैं Whale and duck are the two water animals. Next question. नेम any टू डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स हमने अभी बात करी थी कौन कौन से होते हैं काउ एंड गॉड आर दी टू डोमेस्टिक एनिमल्स हमने यहाँ पे सिर्फ दो एनिमल्स के नाम बताए बिकॉज क्वेश्चन में ओनली टू पूछा था तो ये हमने यहाँ पे किए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैक्स फर्स्ट है लॉयन लिव्स इन अ केव और वॉटर लॉयन लिव्स कहा रहते हैं केव में रहते हैं या वॉटर में केव में रहते हैं गुफा में टाइगर ईट्स वेजिटेबल और फ्लैश टाइगर ईट्स फ्लैश कैमल हैज डैश लेग्स फोर और टू फोर लेग्स आप सभी ने देखा होगा ना कैमल किसके कैमल जो है वो रेगिस्तान का राजा कहा जाता है जिराफ हैज ए डैश नेक लॉन्ग और स्मॉल जिराफ की जो गर्दन होती है वो स्मॉल होती है या फिर लॉन्ग होती है लॉन्ग होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग एक्वेटिक एनिमल लिव इन वॉटर और एयर वॉटर नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्लीट द पैटर्न विद एनिमल नेम यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं और इसे हमें कंप्लीट करना है तो फर्स्ट है यहाँ पे डब्ल्यू ओ डैश एफ क्या बनेगा वॉल्फ डी डैश एल पी डैश आई डैश डॉल्फिन डी ओ एल पी एच आई एन नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों रैबिट आर ए बी बी आई टी रैबिट और नेक्स्ट है यहाँ पे टाइगर टी आई जी ई आर देखिए कितना सिंपल है आप इस तरीके से अपने बच्चों को घर पे वर्कशीट बना के दीजिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट द क्रॉस वर्ड द हेल्प ऑफ द क्लूज आई एम ए पेट हु इट्स टेल और ये कौन से उसमें लिखना है हमें ए नंबर में तो ये है डॉग बी जी डॉग नेक्स्ट है यहाँ पे आई हैव ए लॉन्ग नेक मेरी जो है वो लॉन्ग नेक होती है कौन सा जानवर है बच्चों और ये लिखना है हमें बी में तो बी है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जिराफ का जी लिखा हुआ है तो जिराफ आएगा यहाँ पे तो चलिए लिखते हैं जी आई आर एफ F E giraffe. I am a striped wild animal. यहाँ पे हमें लिखना है tiger. T I G E R already लिखा हुआ है Next है यहाँ पे I live on a farm with my kids. मैं farm में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में और लिखना है हमें D में तो G O ए T. इसके बाद आपको बच्चों कलर दी जिराफ इसमें कलर करवाना है तो चलिए हम इसको कलर कर लेते हैं फटाफट से तो सबसे पहले हम बच्चों को इन बॉक्सेस में कलर करने को कहेंगे इस तरीके से तो चलिए हम इसको कर लेते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखो बच्चों जिराफ को हमने कलर कर लिया है तो ये कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एनिमल विच लीव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स राइट एनिमल लीव ऑल ओवर द राइट सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल ये भी करेक्ट है नेक्स्ट यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर देयर फूड एंड शेल्टर राइट वाइल्ड एनिमल्स ईट फ्रूट्स ओनली रॉन्ग Exercise who am i I am white in color I give you milk I am a cow I am your pet I guard your home I am a dog I am the queen of water I am a fish I give you wool I am sheep I am the ship of the desert I am कैमल तो बच्चों आज हमने पढ़ा है ईवीएस का चैप्टर एनिमल और ये हमारा आता है क्लास वन के अंदर तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी सो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू